नमस्कार संसद टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और स्मार्ट खेती में आज आपको लेकर आया हूं पंजाब के मोगा जिले में कोलिया कला गांव में पंजाब की अगर बात करें तो आधे में राम आधे में गांव ऐसा ही है पंजाब की तासीर मतलब हिंदुस्तान में कुल खाद्यान्न जितना होता है उसमें से बावन अकेले पंजाब में होता है और बाकी में पूरा देश है मतलब पंजाब वो धरती है जिस पर अन्नपूर्णा माँ की असीम कृपा है उनका जो पौरुष है ये जो उनकी कर्मशीलता है एक समय ऐसा आया है जब रिविजिट करने की जरूरत महसूस होती है जब फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत होती है क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ धान और गेहूँ के मामले में है लेकिन आदमी को सिर्फ धान और गेहूं नहीं खाना है उसे साग सब्जियां भी चाहिए फल भी चाहिए और भी चीज़ों की उसे ज़रूरत होती है और एक आरोप साथ में एक बात ये भी हो गई है कि गेहूं हो या फिर राइस हो वहाँ पर जिस तरह से केमिकल का धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू हुआ है उससे यहाँ का इकोसिस्टम भी गड़बड़ा गया है मानव स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ा है और इसलिए इसी भूमि में फिर से गुरुपुत्र कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है प्रकृति के साथ चलने का नेचुरल फार्मिंग करने का और अपने ही खेत को अपने ही फार्म को फार्मेसी बनाने का मतलब उनके यहां पर जो पैदा हो रहा है अगर आप उसे खाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वो आप अपने शरीर के लिए आहार नहीं औषधि ले रहे हैं मतलब जिसको कहा है भोजनम एव भेषजहा मतलब भोजन ही भेषज यानी औषधि है ये औषधियां कैसे तैयार होती हैं नेचुरल फार्मिंग से क्या इनकी वायबिलिटी है क्या इनकी इकोनॉमिक्स है इस सब को उन्होंने क्रिएट किया उन्होंने तैयार किया अब वो एमएसपी इस सब के भरोसे नहीं हैं ये जो कुछ गुरुपुत्र हैं उन्होंने अपना उत्पादन किया किचन को ऊपर फोकस किया और किचन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया उन लोगों के और उन परिवारों के साथ जुड़े मतलब ये प्रोड्यूसर हैं और वहाँ कंज्यूमर हैं दोनों के बीच में एक रिश्ता बना और इस रिश्ते से यहां से फार्म से चीजें प्रोड्यूस होती हैं प्रोसेस होती हैं और वहां लोगों के घरों तक जाती हैं और इसमें आप समझेंगे कि यहां पर सरसों नहीं बिकती है सरसों का साग बिकता है यहां पर धनिया पुदीना ये सब नहीं बिकता है बल्कि यहां सीधे चटनी बनकर के बिकती है यहां पर गन्ने की गंडीरी गन्ना रस ये सब प्रोसेस होकर के बिकता है और ये कैसे होता है ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे किसानों से आप एज ए फार्मर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप वहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे खेत से जैसे सर्दियों की सब्जी हो गई मूली हो गया शलगम है सरसों का साग है और मकई की रोटी है वो घर में तैयार करके हम लोग हर महीने की दस तारीख को मोगा मंडी में लेके जाते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं वो हमारे खेत से सीधा भी लेके जाते हैं ठीक मतलब आप कह रहे हैं कि सीधे रोटी लेकर जाते हैं मतलब वो आटा नहीं बेच रहे हैं सीधे रोटी बना करके उधर बेच दे रहे हैं मतलब बाजार कि जो समझ है वो पंजाब के किसानों को कितनी अधिक है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खेती केवल फसल नहीं उगाती फसल से भोजन बनता है बिल्कुल तो जो आज पंजाब के जो हालात ने साधा वो भोजन प्रणाली टूट चुकी है तो उसको सरवाइव करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा नेचुरल फार्म शुरू की और नेचुरल फार्म करते करते थोड़ा मार्केटिंग का ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਮੋਗਾ ਮੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅਭੀ ਤੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇ ਰਸੋਈ ਕਾ तकरीबन बहुता हिस्सा हम प्रोड्यूस करते हैं महीने की दस तारीख को मतलब एक महीने में एक बार सिर्फ अभी इसका मतलब शेड्यूल बनाया पर मैं अकेले तौर मतलब वीक दिया दियाँ मार्किटा मैं अकेले तौर पर अभी सभी किसान मिलकर वो मिलकर। किसान भी शुरू किया पैटर्न पर आने वाले उस पैटर्न पर आने पर यार बाजार में क्या है कि जैसे कि मक्की है मक्की का आटा है वो सभी ले जाते हैं और वो उसकी एक ये ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਇਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਤੇ ਸੇ ਵੈਸੀ ਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੇ ਅਧਿਨ ਹੀ ਹਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹਮੇ ਇਹ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਧਾਮ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ गोभी दी ते बैंगन वगैरह जीਸੀਂ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਘੜਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਲਟ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ 2 ਏਕੜ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਰਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਸੇ ਔਰ ਜਦ ਮਿਲਟ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਯਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 2019 ਸੇ ਅਰੇ ਵਾ 2019 ਠਾਕਰ ਵਾਲੀ ਆਏ ਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਮਿਲੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਬੀਜ ਲਈਆ ਫਿਰ ਮਿਲਟ ਉਗਾਈ ਪਾਂਚੋ ਮਿਲਟ ਉਗਾਈ ਰਾਗੀ ਵੀ ਉਗਾਈ ਉਹ ਸਭੀ ਅਬ ਮੋਗਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਗਾ ਉਹ ਉਸਮੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕੋਆਂ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹਾ ਸੇ ਗੰਨਾ ਹੈ ਦਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਮੇ ਕਰਤੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਉਸਮੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲੀ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 82000 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੈ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ वीर जी ने हम जैसे किसानों को छोटे किसानों को और देश के किसानों के सामने भी जो एक बड़ी बात कही है उसे आप समझ सकते हैं कि धंधे और धर्म के बीच में फर्क करना सीखना होगा ठीक है जो यहाँ जीरी है या गेहूँ है ये यहाँ पर सिर्फ खेती नहीं है बल्कि धंधा भी है लोगों का किसानों का लेकिन जो प्रका प्राकृतिक खेती है जिसे ये लोग कर रहे हैं ये गुरुओं द्वारा बताया गया वही वही सनातन पुरातन वही धर्म है मैं तकरीबन 2014 में खेती शुरू किया था क्या बात? तो हमने थोड़ा सा जो पहला शुरुआत की तो काफ़ी मुसीबतें आई काफ़ी मुश्किलें आई हाँ। तकरीबन छः साल हो गया हम हम इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग कर दें सीधा कस्टमर को रिटेल में भेजते हैं और उसके दिन समा और मतलब दिन और समा सब फिक्स है सब फिक्स किया हुआ मेजर मूली था पहला हाँ। मूली में हमने उसको मूली को खाड़ लिया इसके थले मेथी हाँ। वो मेथी को इसके में बो दिया ये मेथी है यहाँ पर हाँ ये वाली मेथी है ये वाली हाँ मतलब आप देख रहे हैं कि समय को भी ध्यान में रखा गया है ठीक है कि ये अब मूली उखड़ने वाली है और इसके बाद मेथी को जो है उसने अच्छे से वो ग्रो हो गई है उसकी छाया में उसके बाद वो वहाँ पर अपना स्थान ले लेगी ऐसा सारे खेत में किया आपको दिखाते हैं आगे ये मिच... ये पहले वाली मूली है और ये छोटी मूली है इसकी भी दो दो है और तीसरी वो ऐसा आप क्यों करते हैं ऐसा एक है तो हमको समा बच जाता है हाँ। तो एक खेत की धरती माँ को लोड है शाए की हाँ। उसको शाया मिलती रहती है अगर ये ना लगाएंगे तो इसमें खरपतवार हो जाएगा ये पैच जो है ये आप देख रहे हैं ये बीटरूट का चकुंदर का पैच है हाँ, ये इसमें कुछ और भी है हाँ इसमें तनिया है तनिया हाँ। और और ऐसी है लेकिन धनिया तो मुझे दिख नहीं रहा नहीं, ये दरने वाले ना ये वाला ये आज फो ये फोरिया ये वाला ओके ये वाला ओके हम्म ये सारे ये, ये। मतलब चकुंदर ऊपर आपको दिख रही है लेकिन नीचे धनिया भी तैयार हो रहा है हार्वेस्ट के लिए कोई ना कोई चीज जो है हमेशा तैयार है ऐसा रामवीर अगर ये कोई चीज धरती से लेता है ये तनिया धरती को प्लस देता है जो एनवायरमेंट में लेकर ना सन वो इसको प्लस करता है अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बीट रूट जो है वो धरती से ताकत लेती है और धनिया ताकत वापस करता, करता है, है। इसलिए दोनों को एक साथ ही लगा दिया गया है ताकि धरती का स्वास्थ्य जो है उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी ना आए यहाँ आप जो देख रहे हैं ये पालक है पालक कितना जबरदस्त हुआ है और इस पालक के साथ में भी शायद सिंह साहब ने जरूर कुछ ना कुछ लगाया होगा ये पालक हमको फंस लेते हुए तकरीबन इसको पचास दिन हो गया अच्छा और ये बूटे मच्योर हो गया और हमने बेबी पालक और भी बीज दिया ये बेबी पालका ये हाँ, ये ये वाला ये वाला बेबी हाँ, हाँ, पालक हाँ, वो वो और मल्टी, मल्टी मतलब आप ऐसा समझिए कि कि किसान की जो दुकान है इस पर सामान खत्म नहीं होना चाहिए इसलिए ये बड़ा पालक काटते गए और छोटा पालक जो है वो पालक साथ में उसमें रोपते गए और बेबी पालक साथ में आ गया जब तक ये बड़ा पालक यहाँ से निकलेगा तब तक ये भी बड़ा हो जाएगा आ, ये बड़ा हो जाएगा ये ये हमारा कंटिन्यू ही तो चलता रहेगा मतलब ये पालक का पैच है और पालक से इतने से पैच से आप कितना पैसा निकाल लेते होंगे केवल साग साग को अगर हम बात करें एक दिन में तकरीबन फोर्टी किलो चौदह किलो तेरह साग, साग बना हुआ साग बेचते हैं और जब पूरा सीजन आ गया ना फिर फिर तो दो शिफ्ट बनता है रोज रोज की दो शिफ्ट

पालक सरसों मेथी सबको मिलाकर यहाँ साग बनाते हैं और बना हुआ कुक्ड साग जो है वो मार्केट में बेचते हैं वो परिवारों तक जाता है और उन्होंने बताया महीने में दो क्विंटल एक किलो साग डेढ़ सौ रुपए में जाता है वो साग भी ट्रेडिशनल तौर पे तैयार होता है जैसे चूल्हे में बनता है और लोगों को काम दिया हाँ को, परिवार लगे हैं हमारे पास चार परिवार हैं मात्र दो एकड़ जमीन में चार परिवारों को काम मिला हुआ है यहाँ पर गोभी का फूल गोभी का पैच ये है आप फूल गोभी में फूल आना शुरू हो गया है आपने ये देखा है यहाँ फूल गोभी के बारे में आप कुछ बताइए यहाँ देखो ये इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग कर दे हाँ। हमको लोड चाहिए रेगुलर लोड चाहिए अब ये सारा ऐसा भी जाए ये एकदम खाली हो जाएगा हमने क्या किया इसमें तीन लेयर और डाल दी जैसे ये ये मेन लेयर होगी और ये वाली ये, ये ले और ये सबसे छोटी गोभी ये, सबसे ये।, ये अगर दादी है तो वो बेटी है और वो पोती है किसान की दुकान पर गोभी लंबे समय तक लगातार बनी रहे ये सारा एक्सपेरिमेंट उसके लिए है और इसकी जो सोइंग है उसमें भी कुछ मैं स्पेशलिटी देख रहा हूँ पानी सिर्फ एक नाल में चल रहा है दो नाल खाली है बिल्कुल देखो साड़ी जो जो भी फसल है हाँ। उसको पानी नहीं चाहिए उसको नमी चाहिए मोइस्चर हाँ मोइस्चर देते हैं पानी नहीं देते पानी जितना कम देंगे उतने वो उसमें बहुत ज्यादा है और बीमारी को लड़ने के लिए उसमें ताकत आएगी और जितना पानी ज़्यादा देंगे वो ऐसा उसमें क्लोरोफिल आ जाता है फिर वो बीमारियों के साथ लड़ता नहीं है हमने वही किया एक खाई में ऑपरेट करते हैं और एक खाई में पानी देते हैं इन इन दोनों लाइनों ले, को इसकी मॉइस्चर आ जाएगा और ये सुखा हो जाएगा और तीसरे के में लगाएंगे पानी और

नेचुरल है और उस सब की वजह से इस सब की कीमत को समझा जाता है ये मिथा है यहाँ पर आप देख रहे हैं सरसों है आप देख रहे हैं भिंडी है पीछे भिंडी की तुड़ाई चल रही है यहाँ पर क्या किस खास विधि से इसको लगाया गया है क्या लेयर का भी इसमें भी ध्यान रखा गया है ये भी एक बार बताइए हाँ रामवीर जी यहाँ पे जो लगाया वहाँ पे एक बेड पर लगाया इसको पानी खाली में देते हैं और बेड को मॉइस्चर जाता है नमी जाता है और हमने क्या किया अब ये बड़ा हो गया इसको पटा जाएगा इसके बीच में और लगा दिया ये वाला ये और लगा दिया ये ये चल रहा, ये अब ये, ये दिख रहा, दिख रहा है ये दिख रहा है बहुत तरीके हाँ, से ये ये पटा जाएगा जाएगा वो तैयार हो जाएगा। मतलब चमकोर सिंह जी का जो पूरी जो आई -क्यू है वो इस बात पर निर्भर करता है ये आप उसमें मजेदारी देख सकते हैं कि वो पहली चीज समाप्त होने से पहले दूसरी चीज को ऑलरेडी लगा चुके होते हैं और यहाँ पर जो भिंडिया हैं क्या इनका टेस्ट कुछ अलग होता है हाँ या जिसका अलग होता है इसको कच्ची को खा जाते हैं और ये जब आपके जोबन पे था ना वहाँ पूरा फैला हुआ था अच्छा हम इसका इसको और बीच में इसको यूज किया हाँ, सरसों के लिए पहले पहले ये काट लीजिए और तो दूसरा इसमें तैयार हो रहा अगर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों में आप आएंगे और वहाँ देखेंगे तभी आप इन चीजों के टेस्ट को फील कर पाएंगे चमकोर सिंह को ये अच्छे से पता है कि उनकी दुकान के लिए बाज़ार में चार दिन जाना है वीक में कितनी चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है और उसी के हिसाब से केवल दो ये लाइन है इनमें प्याज लगाई गई है इनमें क्या लगाया गया है जो अभी थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है आगे कहीं सरसों दिख रही है आगे कहीं शायद मिर्च है और बीच में भी कुछ है क्या है एक बार आप बता दें प्याज के साथ ये गंड गोभी और इसके साथ ही सरसों साग के लिए और इसके साथ ब्रोकली और ब्रोकली के, के साथ है? हरी मिर्च जो हम साग के लिए यूज करते हैं जो, है, जो आप कर के लिए यूज करते हैं मतलब आप एक पैच में खड़े होंगे तो आपको पांच सब्जियां एक ही पैच में साथ में दिख जाएंगी और आप अभी तक जो ये यात्रा आपने की है कम से कम इसमें बारह तरह की सब्जियां आपके पास नहीं पच्चीस तरह की हैं पच्चीस तरह की हैं और यहाँ पर ये बेलवर्गीय फसलें आप देख रहे हैं कुल मिलाकर क्या क्या इस पैच में उगाया गया है ये भी सिंह साहब ही बताएंगे जी अच्छा इस एरिया में जैसे पहले करेला हाँ। और करेला थोड़ा मच्योर हो गया उसके पैरों में हमने लगा दिया कोकम्बर बिल्कुल खीरा लगा दिया उसमें और ये से टमाटर है और ये किया और लौकी है उसके इसके नीचे शलगम है और ये वाला ये इसमें डायरेक्ट ओनियन बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट ओनियन और इसमें टमाटर और टमाटर सपोर्ट कर देंगे और गन्ना और, और इसके पीछे बैंगन बैंगनी हुँ. और लहसुन क्या बात हाँ मतलब और गन्ने का आप क्या करते हैं दे? गन्ने का हम जैसे गन्ने की गनेरीरी हाँ. और डायरेक्ट गन्ना उसको ठीक करके एक, एक गन्ने में कितनी गनेरी निकल आती है तकरीबन सात आठ सौ ग्राम निकल आती है तो 800 ग्राम गनेरी जो है वो कितने पैसे की देते हैं? वो देती है एक किलो का अस्सी रुपये रेटा है मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन हो रहा है गनेरी मतलब उसके जो छोटे छोटे पीस करके हाँ शुगर केन बुलेट और वो यहाँ से अस्सी रुपये में एक किलो जाता है इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि एक गन्ना अस्सी रुपये का और इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि एक क्विंटल गन्ना कितने रुपये का होगा ठीक है और यहाँ पर आप कुछ और देखेंगे ये तोरी है और तोरी हरी भी बिकती है सूखने के बाद ये जो ये बचा हुआ है ये किस काम में आता है ये लोग इसको जो नहाते हैं रबिंग हाँ इसमें ऐसे करते हैं और इससे जो बर्तन है

हाँ। और उसे क्या बिल्कुल हाँ। ये ऐसा ही निकलेगा हाँ तो okay. इसका मतलब ये है कि आपने ये समझा कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़फुल ना हो यहाँ हर वेस्ट को भी बेस्ट बनाने की पूरी तैयारी होती है मनप्रीत यहाँ पर साग बना रही हैं यहाँ पर चटनी बन रही है कहीं कोई जो है गंडीरी बना रहा है कोई रस निकाल रहा है कोई सब्जियों को पैकिंग कर रहा है ऐसे करीब हमने यहाँ पर देखे तो इस मात्र तीन एकड़ खेत के साथ ऐसे छह सात लोग जुड़े हुए हैं मनप्रीत इसमें कितना साग बना लेंगी आप बारह तेरह किलो बारह तेरह किलो कितनी देर लगती है साग बनाने में एक तक बनता है देर कितनी लगती है देर। तीन घंटे लगते है तीन घंटे तीन घंटे में साग बनकर तैयार हाँ जी अच्छा तो पहले आप इसको कट करती होंगी बाद में इसको पहले धोते हैं फिर बाद में काट करते हैं और फिर लास्ट में क्या करेंगे आलन, पाएंगे. आलन लगाएंगे उसकी घुटाई करेंगे और लास्ट में नमक मिर्ज जो भी हींग वगैरह डालना है हाँ सारा कुछ है डालते हैं और डालकर ठंडा करके फिर फिर पाते हैं फिर पैकिंग ठीक है मतलब आप समझ रहे हैं ये एक मॉडल है खेती का मार्गदर्शन है उन किसानों के लिए जो कर सकते हैं देखिए अल्लन है ये मक्का का आटा इसमें डाल दिया गया है और ये जो घोटना है इस घोटने से अब इसकी घुटाई होगी और घुटाई इतनी अच्छे से होगी कि शहर में जो लोग काम में ज्यादा व्यस्त हैं जिनके पास उतना समय नहीं है ठीक है तो तीन घंटा इसको बनाने में लगा है और इसके बाद यहां से पैकिंग होकर डिमांड के अनुसार ये आसानी से चला जाता है इसमें आपने गन्ने के साथ क्या मिलाया है गन्ने के हल्दी कच्ची हल्दी टर्मे का और आपको टाइम नहीं मिला इसके मिलाना था बीट रूट मिलाना था और पुदीना भी हाँ पुदीना भी अभी दो ही है इसमें शरीर के और हालिंग के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता इससे टेस्टी कुछ नहीं हो सकता और जब आप इसमें बीटरूट पुदीना और कच्ची हल्दी ये सब मिला देते हैं तब इसका टेस्ट और बढ़ता है क्या बात फिर क्या बात जैसे अमृत पी जैसे भी पी आप समझ सकते हैं आ, तीस रुपये में एक गिलास है ठीक है और एक क्विंटल गन्ने में कितना रस निकलता है ये अगर आप किसान हैं तो आप अच्छे से जानते हैं और उसमें कितने गिलास बनते हैं ये भी आप अच्छे से जानते हैं एक गिलास की वैल्यू अगर तीस रुपया है तो एक क्विंटल गन्ने में निकलने वाले रस की वैल्यू कितनी होगी एक क्विंटल गन्ने में तकरीबन बाठ किलो पैंठ किलो जूस निकलता है पैंसठ लीटर तक जूस जो है एक क्विंटल गन्ने में निकल जाता है हाँ। कैलकुलेशन आप लगाते रहिए मिलजुल खेती करने के जो आ, है संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि जो जो उपभोक्ता है वो तो सभी चीज हमसे मांगता है वो कला सब्जियाँ नहीं मांगता वो तो हमको सब चीज मांगता दालों तो लेकर वो हो वो आटा है गेहूँ का आटा है वो हो वो चटनियाँ अचार मुरब्बे वो सभी मांगता वो सभी मिलकर ही पूरी डिमांड करेंगे उसके लिए हम अग्रसर हैं बिल्कुल और ये आपने शुरू में देखा भी था कि इस डिमांड को मिलकर ही पूरा किया जा रहा है और इसकी पूरी जो इकोनॉमी है वो उससे खुश हैं उन्होंने मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि अगर मेरे साथ कोई मिलकर और साथ में इस खेती में काम करने वाला हो तो हापा तो इसमें सोना पैदा कर सकते हैं आप ये उत्साह जो है किसानों का इसको आप समझिए इस दिशा में भी आप सोचिए केवल गन्ना नहीं केवल गेहूँ नहीं केवल धान नहीं तो आपको कुछ मल्टी मॉडल्स को अडॉप्ट करना चाहिए इस दिशा में कुछ सफलताएं हैं बाजार के साथ उसको कनेक्ट करिए जोड़िए तो जाहिर तौर पर नतीजे कुछ और ही निकलेंगे हम ऐसे नतीजे जो उन्होंने निकाले हैं अपने स्मार्ट इनोवेशन के जरिए आपने भी अगर कहीं पर निकाले हैं तो आप हम आपके खेत तक जरूर आएंगे क्योंकि यहां तक आने में हमने छह घंटे या मानिए कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की है अगर आपके खेत की दूरी हमसे 3000 किलोमीटर दूर भी है तो भी हम आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती